초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형태. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो आज की वीडियो होने वाली है मीशो हॉल और मैं आपके साथ मीशो ज्वेलरी हॉल शेयर करने वाली हूँ. जो भी मैंने मीशो से ज्वेलरी मंगाई है मैं उसका आपको हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी कि वो कैसी आई हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग वो आपको लेनी चाहिए कि नहीं. तो कैसी आई हैं बिल्कुल वैसी ही बताऊँगी, बिल्कुल हॉनेस्ट बताने वाली हूँ. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट मैंने ये इयरिंग मंगाए हैं. काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. आप इन्हें कभी भी वेयर कर सकते हो सिंपल ड्रेस के साथ और आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हो. मैं आपको यहाँ साइड में दिखाती जाऊँगी पहन पहन के ही ये पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं. और ये इयरिंग्स बिल्कुल जैसे थे वैसे के वैसे आए हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं लगी मुझे. तो ये इयरिंग्स मीशो ने बिल्कुल सही भिजवाए हैं और 128 रुपए के हैं ये. और कोड वगैरह मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं. अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, आपने कहीं ना कहीं इन्हें देखा होगा. तो ये थे फर्स्ट इयरिंग. तो नेक्स्ट ज्वेलरी में मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा नेकलेस सेट. तो सबसे पहले मैं आपको ये नेकलेस दिखाऊंगी. तो ये नेकलेस कुछ ऐसा है बिल्कुल चिपका हुआ, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है लेकिन हाँ ये सुंदर काफ़ी है. दिखने में भी कैमरे में भी अच्छा दिख रहा है और रियल में भी काफ़ी अच्छा है. तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, 250 रुपये का है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है. और इसके साथ आपको मिलते हैं दो इयरिंग्स और ये इयरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल भी नग वगैरह नहीं निकला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है पहनने पर भी और सामने से देखने पर भी. इसके साथ आपको मिलती है एक बैंदी, मतलब पूरा सेट आपको मिल जाएगा सिर्फ 250 रुपये में. तो ये ठीक है मेरे हिसाब से, 250 रुपये में अगर आपको पूरा सेट मिल रहा है. अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ थर्ड ज्वेलरी, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए. तो दिखाती हूँ मैं आपको थर्ड ज्वेलरी. आप देख सकते हो ये कॉम्बो सेट है पूरा और ये है 242 रुपीज़ का. और इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पर इमेज लगी है, इतना सब कुछ है इसमें. तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा आया है इसमें और कौन सा नहीं आया है. अब देख लेते हैं, हो सकता है सारे ही अच्छे हों और हो सकता है कि एक भी अच्छा ना हो. नहीं, देखते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, मैं बताती हूँ आप लोगों को. तो सबसे पहले नेकलेस की बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर आया है. डोरी दी हुई है वो मुझे थोड़ी सी चीप लगी, बिकॉज ऐसा नहीं देना चाहिए, कुछ अलग तरीके से देना चाहिए था. ये काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने का लग रहा है, ऐसा भी बोल सकती हूँ मैं. ठीक है, लेकिन आगे का तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और पूरा कांच ही कांच का है, ये तो आपको दिख ही रहा है. अच्छा है, मतलब एक कॉम्बो सेट में इतना सारा सब कुछ. तो नेकलेस तो भाई बिल्कुल पास है, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है. इसके साथ ये इयरिंग्स आए हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैसे इमेज में दिख रहे थे वैसे ही हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. सामने से देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और पहनने में आप ट्रायल में देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं. तो ये तो काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल लाइट वेटेड हैं, आप इन्हें कभी वेयर कर सकते हैं. इसके साथ आया हुआ है ये ब्रेसलेट और ब्रेसलेट भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल कांच ही कांच का, इसमें जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आया है और बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, बहुत अच्छा है. आप इसे आराम से वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है अंदर से. इनके साथ आए हुए इयरिंग्स की, तो ये रहे वो इयरिंग्स और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और हैवी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं. बस इसमें थोड़ा सा कांच का इशू है जो कि आप देख सकते हैं, थोड़े से निकल रहे हैं. आई थिंक ये निकल जाएंगे एक दो बार अगर मैं इन्हें पहनूंगी तो. लेकिन ये लग काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहे हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग ये पूरा कॉम्बो सेट मुझे अच्छा लगा. अगर 242 रुपीज़ में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बाय कर सकते हो आप. तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ थ्री सेट और ये आप देख सकते हैं इमेज में लगा दूंगी. यस, ये तीनों मुझे मिले हैं 300 के समथिंग और ये तीनों ही कैसे आए मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी. तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी फर्स्ट, सबसे पहले एक पेंडल मिल जाएगा और इतनी बड़ी आपको
ये मोटी वाली चेन मिलेगी और यहाँ से ये पतली वाली मिलेगी और इसमें आपको ये हुक करना रहेगा और इसमें ये बड़ा हुक करने का नहीं दिया है बस। बाकी ये अच्छा है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। आपको इसके साथ एक कंगन मिलेगा जो काफ़ी मुझे ढीला हो रहा है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा है। और इसकी बात करें तो भाई ये इयररिंग्स है, मीडियम साइज़ है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। इन्हें तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कहीं भी पहन कर जा सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो, कुर्ते के साथ, साड़ी के साथ, आप जैसे स्टाइल करना चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है यही ज्वेलरी, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। अभी दो और दिखानी है। तो ये है सेकंड सेट जो कि फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये रहा सेकंड। और सेकंड में बस इसकी जो चैन है वो यहाँ से मतलब थोड़ी सी उल्टी आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी, ये जो है वो आगे होना था, तो ये बस ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और जैसा इमेज में दिख रहा था सेम वैसा का वैसा आया है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, बिल्कुल जैसा इमेज में था बिल्कुल वैसा ही है। तो इसके साथ आए हैं ये छोटे छोटे से इयररिंग्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप इसे कैसे भी वेयर कर सकते हैं, कुर्ते के साथ, साड़ी के साथ, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे इसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और वैसे ही सुंदर हैं, लाइट वेटेड है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये तीनों सेट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तीनों के तीनों ही पहनने पर बिल्कुल हल्के महसूस करवाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इयररिंग्स पहना है या फिर आपने नेकलेस पहना है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। तो इसकी बात करें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा तीनों में से मुझे ये छोटे छोटे से ही ज़्यादा पसंद आए हैं। पिंक और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में आपको ये डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, साथ में मोर बनी हुई है इस पर। तो ये वाला नेकलेस सबसे ज़्यादा सुंदर है तीनों में से और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है। और इसे तो आप सिंगल वेयर कर ही सकते हो, नो डाउट, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वाला और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको कौन सा पसंद आया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ ये इयररिंग्स आए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जितने आपको इमेज में दिख रहे थे उससे ज़्यादा आपको रियल में दिखेंगे और पहनने पे कैसे लग रहे हैं मैं बता दूँगी। अब बड़े हैं बट काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, वज़न नहीं है, बड़े ज़रूर हैं बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। ज्वेलरी थी मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप इनमें से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो कोड मीशो पर सर्च करोगे तो ये ज्वेलरी आपको निकल के आ जाएगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस लुक का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं ये नवरात्रि लुक मैंने किया है। नेक्स्ट वीडियो में बाय।